बिना किसी तामझाम के सिंपल और सीधी रेसिपी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, हमें श्राद्ध के लिए खीर बनानी है या नवरात्रि के व्रत के लिए खीर बनानी है? ये खीर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है फ्रेंड्स। इसे आप फ्रूट सलाद कह लीजिए या तो फूड पुडिंग भी कह सकते हैं। ये ठंडी सर्व कीजिए, गरम सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चे बड़े सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। और हमें पितरों को पसंद करना है अपने, तो ये खीर तो बहुत ही टेस्टी है, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप साबूदाना ले लिया है। इसको आधा घंटे के लिए मैंने भिजा करके रख दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हमें रात भर भिजाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भिजा भी दिया तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए, इस तरह से इसमें दाने बन रहे हैं। इतना हल्का सा मैंने इसे भिजा करके रखा है। 2-3 बार इसे हमने पानी से धो लिया था और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ घी का ही यूज कीजिएगा, खीर में घी का स्वाद अच्छा लगता है, तेल मत डालिएगा। अब घी को हम पैन में चारों तरफ फैला देंगे और इस साबूदाने को डाल करके अच्छे से भुनेंगे। जब हम इसे भुनेंगे ना, तो ये धीरे धीरे से ट्रांसलूशन होने लगेगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से इसे हमें घी के अंदर भून लेना है। तो देखिए, एक एक दाने इसके अभी अलग अलग, जैसे जैसे ये भुनते जाएगा ना, एक तो ये ट्रांसलूशन होते जाएगा, दूसरे ये आपस में चिपकते भी जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से फैलाते हुए भून लेना है। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो ये देखिए इस तरह से ट्रांसलूशन हो जाएगा और हल्का सा ये फ्रेंड से फूल भी जाता है, अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। देखिए, ये आपस में चिपकने भी लग गए हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे और भूनूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 मिनट के लिए मैंने और इसे भून लिया और ये पूरी तरह से आपस में चिपक चुके हैं। अब यहाँ मैं 1/2 लीटर दूध का यूज़ करूँगी। मेरे पास फुल फैट क्रीम वाला दूध है, कोई भी दूध यहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने 400 मिलीलीटर दूध इसमें डाल दिया है, 100 मिलीलीटर और डाल दूँगी, यानी कि 1/2 लीटर दूध हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मैजिक देखिए कि जो साबूदाना आपस में चिपके हुए थे वो धीरे धीरे करके अलग हो जाएंगे। तो 100 ग्राम दूध मैंने और इसमें डाल दिया है। पूरा 1/2 लीटर दूध का हम यूज करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ा सा दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको थिकनेस चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। और इसे हमें पकाते पकाते थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो देखिए, यहाँ का मैजिक जो मैं बोल रही थी, साबूदाना आपस में जो चिपके हुए थे वो एक एक करके अलग हो गए। हम चम्मच से इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे जो हमें चिपका हुआ दिखेगा, तो इसके सारे दाने अलग अलग हो जाएंगे। मोतियों की तरह ये दाने फ्रेंड्स अलग अलग होकर के खिल उठेंगे। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारा ये साबूदाना अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स, और दूध भी थोड़ा और गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ 400 मिलीलीटर दूध में रखूँगी, 100 ग्राम दूध में यहाँ पर जला दूंगी पकाते पकाते। अब देखिए, खीर हमारी जो है ना अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 3 बड़े चम्मच चीनी यहाँ पर डाल दे रही हूँ। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना, उसी चम्मच से 3 चम्मच चीनी का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अब चीनी डाल करके इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट और हम पका लेंगे, ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और वो अच्छे से पक भी जाए इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट का यूज करूँगी फ्रेंड, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट का यूज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो न करें। मैंने यहाँ 1 चम्मच कटा हुआ बादाम, 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ काजू कटा हुआ डाल दिया है। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को ना तवे पर हल्के से भून लेना, कोई तेल घी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तवे पे जब हम हल्के से इसे भून लेंगे ना, तो इसका जो नटी फ्लेवर आएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी सा लगेगा फ्रेंड। आप चाहें तो इस खीर में थोड़ी सी केसर को भी यूज कर सकते हैं। मैं आज यहाँ केसर वगैरह का भी यूज नहीं कर रही हूँ और इलायची पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप लोगों को गर्म पसंद है तो इसी वक्त इसे सर्व कीजिए, नहीं तो मेरी तरह थोड़ा सा फ्रूट सलाद के रूप में इसे लाना है तो पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। फिर एक बाउल में हम निकाल करके इसे फ्रिज में अच्छा सा चिल्ड करेंगे। उसके बाद आप इसमें अपनी मनपसंद का फ्रूट डाल सकते हैं। आप
केला छोटा छोटा काट करके डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं, अंगूर को काट करके डाल सकते हैं, चेरी को डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, यानी जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ एप्पल और अनार के दानों का यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी सा फ्रेंड्स इसका स्वाद लगता है, कोई तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल और सीधी रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।